आर्ट बाबा चैनल में मैं सनी जैदव आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। और आज की वीडियो में हम आपको मेमोरी ड्राइंग से संबंधित पांच पक्षियों की चित्र जो कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की चित्रकला विषय की दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है, आइए बना करके दिखाते हैं। कबूतर, तोता, मुर्गा, मयूर और बत्तख। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कबूतर। कबूतर बनाने के लिए सबसे पहले कबूतर की चोंच इस तरह से बनाते हैं, चोंच हल्का सा आगे की ओर झुका देते हैं और इस तरह से चोंच को बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर थोड़ा सा इस प्रकार से बना देते हैं और बनाने के बाद फिर इसकी गर्दन का हिस्सा इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से बनाते हुए आगे की ओर फिर पंख का भाग बना देते हैं और फिर इस तरह से गले का हिस्सा बनाते हैं। इस प्रकार से नीचे की ओर लाएंगे और इस तरह से इसके पैर को इस प्रकार से बना देंगे। इस तरह से पैर बनाने के बाद फिर नीचे का हिस्सा इस तरह से बना देते हैं और यहाँ से इसके पंख के हिस्से को इस प्रकार बना देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से इसके पूंछ के हिस्से को इस प्रकार से बना देते हैं। इस तरह से इस प्रकार बना देंगे, इस तरह से बना करके फिर कबूतर की आँख को बना देते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी सहजता के साथ कम समय में कबूतर बना सकते हैं और फोर बी पेंसिल से जहाँ छाया दिखाना समुचित लगे वहाँ दिखा करके कंप्लीट कर सकते हैं। तोता बनाने के लिए हम सबसे पहले तोते की चोंच बनाते हैं और फिर इस तरह से सिर बना देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद फिर गले का हिस्सा नीचे की ओर और फिर ऊपर का हिस्सा इस तरह से पंख का बना देते हैं और फिर नीचे ले आ करके इस तरह से पैर बना देते हैं। इस प्रकार पैर बनाते हैं और फिर यहाँ देखिए आँख बना दिया और फिर पूंछ का हिस्सा इस प्रकार से बना देंगे। तो बहुत कम समय में ही तोता बनकर के इस तरह से तैयार हो जाएगा। मुर्गा बनाने के लिए सबसे पहले मुर्गे की चोंच बनाते हैं इस तरह से, इस प्रकार से। फिर मुर्गियों के ऊपर मुर्गे की जो शिखा होती है उसको बना देते हैं और हल्का से ऐसा करते हुए चोंच और फिर उसके गले पर जो एक लटका हुआ आकार होता है उसे बना देते हैं और बनाने के बाद फिर ऐसे उसके बाद ये पंख का हिस्सा और फिर यहीं से पूंछ का हिस्सा इस तरह से हम बना देते हैं और फिर इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं इस तरह से और यहाँ फिर नीचे पैर बना देते हैं इस प्रकार से। पैर का हिस्सा बना देंगे और फिर दूसरा पैर भी यहाँ से इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाएंगे और थोड़ा उठा हुआ मानो कि चलने की मुद्रा में उठा हुआ और फिर इस तरह से इस आकृति को हम बना लेते हैं और फिर नीचे और यहाँ से इसके उस आकृति को इस प्रकार से दिखाते हैं और फिर यहाँ से इसके पूरे सारे शब्दों को क्लियर करते हैं इस तरह से पीछे की ओर इसे बना देते हैं और फिर यहाँ ऊपर इस प्रकार से भर देते हैं और इसे पुनः इस तरह से गहरी रेखांकन पद्धति से बना करके और फिर इसमें इस तरह से छाया प्रकाश इस तरह से दिखाते हुए और यहाँ इसके बालों को इस प्रकार से दिखा देंगे और बेहतर बना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो मुर्गी की आकृति बन जाएगी। फिर उसके बाद मयूर बनाने के लिए इस तरह से पहले गर्दन का हिस्सा बनाते हैं और फिर इस प्रकार से पंख का हिस्सा बनाते हैं, पूंछ का हिस्सा इस तरह से बना लेते हैं
और फिर इस गर्दन के हिस्से को बनाते हुए फिर यहाँ नीचे चले आएंगे और फिर इस तरह से पैर बना देते हैं। दूसरा पैर उठा हुआ इस प्रकार बना देंगे, फिर उसके बाद पूंछ का हिस्सा इस तरह से बना देते हैं और यहीं से घुमा करके इसे कर देंगे तो पंख का भी हिस्सा बन जाएगा। और फिर इस तरह से इसकी शिखा बना देते हैं इस प्रकार, और फिर इसका पीछे का पंख अर्थात पूंछ बनाने के लिए हम आपको मॉडलिंग कर दे रहे हैं। आप आराम से इसको इस तरह से बना देंगे, इसी तरह का होता है। और इसको सबको एक में जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे तो इस प्रकार से एक अच्छी आकृति आपको बनी हुई दिखेगी। इस तरह से आप सघन इसको बनाएंगे और बेहतर ढंग से इसका छाया प्रकार दिखाएंगे। अब बारी है बत्तख की। बत्तख बनाने के लिए यहाँ स्पेस है, यहाँ बना लेते हैं। बत्तख बनाने के लिए सबसे पहले इसकी गर्दन बना लीजिए, उसके बाद फिर पीछे का हिस्सा इस तरह से, और फिर इस तरह से चोंच बना देते हैं, और फिर इस प्रकार से इसकी आँख, उसके बाद फिर इसके पंख का हिस्सा इस तरह से बनाते हैं, और फिर नीचे का सही छोड़ देते हैं और यहाँ लहरदार रेखाएँ खींच देते हैं जिससे कि यह तैरती हुई प्रतीत हो। बस इस प्रकार से हम बना देंगे इसी तरह से, और उसके बाद फिर इस पंख के हिस्से को इस तरह से बना देंगे, इसी बात बना देंगे और फिर इस तरह से कर देते हैं तो हमारी बत्तख बन करके तैयार हो जाएगी। तो आज की इस चित्रण में हमने पांच पक्षियों कबूतर, तोता, मुर्गा, मयूर और बत्तख का रेखांकन करना सीखा। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप रेखांकन करने की पद्धति जान गए होंगे और एग्जाम में अच्छे अंक लाने में हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद देगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।